भाई और बहनों, पश्चिम बंगाल का युवा दीदी के इस दमन को चुनौती देने लगा है। मैं यहां के युवा को, यहां की महिलाओं को जितना अभिनंदन करूं वह कम है। आपकी हिम्मत को पूरा देश देख रहा है, आपका गौरवगान कर रहा है। बुआ भतीजे के गैंग ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल को बदनाम किया है, उसके खिलाफ आज विद्रोह खड़ा हो गया है। बोखलाहट में दीदी धमकियां पर उतर आई है, खुलेआम बोल रही है, इंच इंच बदला लूंगी, इंच इंच बदले की बात कर रही है। अरे दीदी, कल रोड शो में भी इंच इंच बदला लेने का तुमने बहुत बड़ा खेल खेला, लेकिन ये बंगाल की जनता है, सीने पर पत्थर झेलती रही लेकिन अमित शाह को कुछ होने नहीं दिया। ये बंगाल की जनता है जो तुम्हारे गुंडों की आग के गोले फेंक रहे थे, जनता झेलती थी, भाजपा के अध्यक्ष को उन्होंने एक गोला जाने नहीं दिया उनके पास। ये ताकत बंगाल की बेटियों ने, बंगाल के नौजवानों ने दिखाई है। दीदी दीदी, कान खोल के सुन लो, और मैं तुम्हारे घर में आकर के बोल रहा हूं, ये तुम्हारे भतीजे के इलाके में बोल रहा हूं, ये तुम्हारे गोला, ये तुम्हारी गालियां, ये अत्याचार, उसके बीच मौत को मुट्ठी में लेकर के चलने वाले हम लोग हैं। बदला लेने की बात कर रही हो, ये लोकतंत्र है क्या? और खुलेआम कहती हो मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानती हूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानती हो? हो क्या गया है तुम्हें? अरे दीदी, ये बदला लेने का नहीं, ये तो बंगाल में बदलाव का दौर है, ये तुम्हारे बदले के इरादे तो धरे के रह जाएंगे, ये बदलाव आगे बढ़ जाएगा। और यकीन मानिए, इस बार दीदी के भतीजे का डब्बा गोल है। चुनाव नतीजे आने के बाद भतीजे के ऑफिस पर घुसपैठिया ताला भी लग जाने वाला है। वैसे मुझे बताया गया है कि भतीजे का ऑफिस भी टीएमसी की उस महान परंपरा पर चलते हुए रोड पर कब्जा करके बनाया गया है। ऐसा ही किया है ना, गैरकानूनी कब्जा किया है ना। अरे दीदी, इतना कमाया है, आपकी पार्टी टोला बजा करके, टोलाबाजी करके जमा कर रही है, तो फिर भतीजे ने अपनी ऑफिस के लिए सड़क पर कब्जा क्यों कर लिया?